खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। नाती को लेकर बैठे एक मोबाइल विक्रेता से एक चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर एक युवक सारियाम मौके से फरार हो गया। बदमाशों ने बीच बाजार में एक चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। बताया गया है कि बदमाश पैदल चलकर आया एक युवक एक मोबाइल फोन विक्रेता से गले से 3 तोले की चेन छीन कर भाग गया। इस चेन में 1 तोले का लॉकेट भी पड़ा था। थोड़ी दूर पर जाकर यह बदमाश अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर वहां से भाग गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने भी घटना स्थल पर पहुंच मामले को लेकर पूछताछ की। तो आज क्या हुआ है पूरा मामला? चेन तोड़ के भाग गया है वो। कैसे? दुकान पे बैठा था मैं, दुकान पे थी, मगर अब वो जब जगह चार्जर रह गया मोबाइल का। आज दिनांक 10 सितंबर को थाना क्षेत्र कोतवाली में एक चेन स्नैचिंग की घटना का प्रयास किया गया। इस घटना में चेन लगभग पूरी सुरक्षित है, एक टुकड़ा उसका मिसिंग है। पुलिस द्वारा प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, टीमें गठित कर दी गई हैं, घटना का शीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा। हाथरस का लोकल चैनल TV13 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें TV13 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें TV13 इंडिया के साथ।